शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कोहे तूर की कसम और किताब की जो लिखी हुई है कुशादा औरात में और आबाद घर की और ऊंची छत की और उबलते हुए दरिया की कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब वाक़े होकर रहेगा और उसको कोई रोक नहीं सकेगा। जिस दिन आसमान लरजने लगे कपकपाकर और पहाड़ उड़ने लगे ऊन होकर उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है जो खौज बातिल में पड़े खेल रहे हैं। जिस दिन उनको आतिश जहन्नम की तरफ धकेल धकेल कर ले जाएंगे यही वो जहन्नम है जिसको तुम झूठ समझते थे। तो क्या ये जादू है या तुमको नजर ही नहीं आता? इसमें दाखिल हो जाओ और सब्र करो या न करो तुम्हारे लिए यकसा है। जो काम तुम किया करते थे ये उन्हीं का तुमको बदला मिल रहा है। जो परहेजगार हैं वो बागों और नेमतों में होंगे। जो कुछ उनके परवरदिगार ने उनको बख्शा उसकी वजह से खुशहाल और उनके परवरदिगार ने उनको दोजख के अजाब से बचा लिया। अपने आमाल के सिले में मजे से खाओ और पियो। तख्तों पर जो बराबर बराबर बिछे हुए हैं तकिया लगाए हुए और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को हम उनका रफीक बना देंगे। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी राह ईमान में उनके पीछे चली हम उनकी औलाद को भी उनके दर्जे तक पहुंचा देंगे और उनके आमाल में से कुछ कम न करेंगे। हर शख्स अपने आमाल में फंसा हुआ है और जिस तरह के मेवे और गोश्त उनका जी चाहेगा हम उनको अता करेंगे। वहाँ वो एक दूसरे से जाम शराब झपट लिया करेंगे जिसके पीने से न हिजियान सराई होगी न कोई गुनाह की बात। और नौजवान खिदमतगार जो ऐसे होंगे जैसे छुपाए हुए मोती उनके आस पास फिरेंगे और एक दूसरे की तरफ रुक करके आपस में गुफ्तगू करेंगे। कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर में खुदा से डरते रहते थे तो खुदा ने हम पर एहसान फरमाया और हमें लू के अजाब से बचा लिया। इससे पहले हम उससे दुआएं किया करते थे बेशक वो एहसान करने वाला मेहरबान है। तो ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम नसीहत करते रहो। तुम अपने परवरदिगार के फजल से ना तो काहिन हो और ना दीवाने। क्या काफिर कहते हैं कि ये शायर है और हम इसके हक में जमाने के हवादिस का इंतजार कर रहे हैं? कह दो कि इंतजार किए जाओ मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। क्या उनकी अकलें उनको यही सिखाती हैं बल्कि ये लोग हैं ही शरीर। क्या कुफार कहते हैं कि इन पैगंबर ने कुरान अज़खुद बना लिया है? बात यह है कि ये खुदा पर ईमान नहीं रखते। अगर ये सच्चे हैं तो ऐसा कलाम बना तो लाएं। क्या ये किसी के पैदा किए बगैर ही पैदा हो गए हैं या ये खुद अपने तई पैदा करने वाले हैं या उन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा किया है? नहीं बल्कि ये यकीन ही नहीं रखते। क्या उनके पास तुम्हारे परवरदिगार के खजाने हैं या ये कहीं के दारोगा हैं या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान से बातें सुनाते हैं? तो जो सुनाता है वो सरीह सनद दिखाए। क्या खुदा की तो बेटियां और तुम्हारे बेटे? ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तुम उनसे सिलह मांगते हो कि उन पर तावान का बोझ पड़ रहा है या उनके पास गैब का इल्म है कि वो उसे लिख लेते हैं? क्या ये कोई दाव करना चाहते हैं? तो काफिर तो खुद दाव में आने वाले हैं। क्या खुदा के सिवा उनका कोई और माबूद है? खुदा उनके शरीक बनाने से पाक है। और अगर ये आसमान से अजाब का कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें तो कहें कि ये गाढ़ा बादल है। बस उनको छोड़ दो यहाँ तक कि वो रोज जिसमें वो बेहोश कर दिए जाएंगे सामने आ जाए। जिस दिन उनका कोई दाव कुछ भी काम न आए और न उनको कहीं से मदद ही मिले। और जालिमों के लिए इसके सिवा और अजाब भी है लेकिन उनमें के अक्सर नहीं जानते। और तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो। तुम तो हमारी आंखों के सामने हो और जब उठा करो तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह किया करो और रात के बाद औकात में भी और सितारों के गुरूब होने के बाद भी उसकी तंजीह किया करो।